जो टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एडजस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है एंगल एंड देयर मेजरमेंट्स। बेसिक चीज जो हमने 9th-10th में पढ़ी है, हम एंगल जानते हैं। एक्चुअली एंगल हमारे पास 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एंगल का मतलब होता है दो लाइंस के बीच का। लेकिन अब जो हम डेफिनेशन दे रहे हैं एंगल की, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस भी मैटर करेगा। अभी तक 9th-10th में हम लोग सिर्फ एंगल मेजर कर देते थे कि भाई 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, लेकिन अब हम लोग एंगल का मेजरमेंट कुछ ऐसे किया करेंगे कि ये हमारे पास एंगल जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जब भी हम लेंगे एंगल को पॉजिटिव कंसिडर किया करेंगे। ये जो डायरेक्शन मैंने मार्क करी है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, हम क्या लिया करेंगे इसको, नेगेटिव लिया करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कन्वेंशनली हमने क्या लेनी है, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने कन्वेंशनली क्या लेनी है, नेगेटिव। अगर मेरे पास ये मेंशन है कि ये एंगल हमें बताओ, तो मुझे क्या कर, अगर मान लो ये एंगल 30 डिग्री लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो 30 डिग्री का ऑटोमेटिक सा मतलब क्या है कि मेरे पास ये यहां से मूव करके यहां गया है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। अगर मुझे कहता है कि दो लाइंस के बीच का एंगल -30 डिग्री है, इसका मतलब जो वो एंगल कहना चाह रहा है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा मुझे, या फिर इसमें मैं माइनस नहीं भी लगाऊं तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का मतलब क्या होगा, -30 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का मतलब क्या होगा, +30 डिग्री। तो हमारे पास अब जो भी एंगल मेजरमेंट होगी वो बेसिकली कन्वेंशनली होगी एंटी क्लॉकवाइज मींस पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मींस नेगेटिव। सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो एंगल मेजरमेंट हमें करना है वो दो सिस्टम्स में किया जाएगा, एक डिग्री मेजरमेंट, दूसरा रेडियन मेजरमेंट। अब इन दोनों को भी देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। पहला इज डिग्री, डिग्री मेजरमेंट, दूसरा हम डिस्कस करेंगे रेडियंस। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं डिग्री मेजरमेंट की। डिग्री मेजरमेंट में हमारे पास क्या है, बेसिकली डिग्री मेजरमेंट आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ रखी है। रेडियंस की जो मेजरमेंट है ये हम लोगों के लिए नहीं है, जो डिग्री मेजरमेंट है वो लोग हम लोग 9th-10th में भी वही सेम मेजरमेंट पढ़ के आए। डिग्री मेजरमेंट में क्या है, हमारे पास एक सर्कल लिया हमने किसी भी रेडियस आर का, फॉर एग्जाम्पल दिस सर्कल बना दिया। इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये कुछ पार्ट्स में दिखा रहा हूं लेकिन कन्वेंशनली ये 360 पार्ट्स है हमारे पास। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट उठा लिया हमने, कोई भी एक पार्ट मेरे पास जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा सेंटर पे, देखिए ये एक पार्ट है मेरे पास, वो जो 360 पार्ट, इसको हम आर्क लेंथ भी कहते हैं बेसिकली, वो जो सर्कमफ्रेंस को मैंने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था उसमें से कोई भी एक पार्ट उठा लिया, वो जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा सेंटर पे उसको मैं क्या बोलूंगा, इट इज 1 डिग्री। डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 डिग्री। ये नहीं है कि सिर्फ रेडियस के साथ कोई भी एक पार्ट ले सकते हैं। मान लो मैंने ये वाला ले लिया, ये दो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट से एक पार्ट ले लिया, ये भी कितना होगा मेरे पास 1 डिग्री। ये मेरी होगी डिग्री मेजरमेंट। सिमिलरली वहां चलता हूं अगर मैं रेडियन मेजरमेंट में, रेडियन मेजरमेंट में क्या है मेरे पास, वही सर्कल ले लिया मैंने, सेम रेडियस आर, ये आर रेडियस है। अब मुझे उसने क्या कहा कि सर्कमफ्रेंस पे आर यूनिट लेंथ कवर कर दो, सर्कमफ्रेंस पे आर यूनिट लेंथ कवर कर दो अकॉर्ड सर्कल के अलोंग ही मूव करते हुए, जो भी आर की बनेगी मेरे पास आर लेंथ, वो जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा यहाँ पे इसको बोलेंगे 1 रेडियन। रेडियन को रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर सी लिख के, कई बार जनरली ऊपर आर भी लिखा मिल जाता है, या फिर सिंपल भी नंबर लिखा हो, अगर वो कह रहा हो एंगल 2 है, 2 का मतलब 2 रेडियंस बोल रहा है, वो डिग्री होगा तो डिग्री मेंशन करेगा, अगर मेंशन नहीं है तो हम रेडियंस लेके चलेंगे। जो 11th में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है या 11th-12th में यूज होने वाली ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें ज्यादातर हम एंगल लेके चलेंगे रेडियन मेजरमेंट में। अभी तक जो हम एंगल लेते थे 9th-10th में वो लेते थे हम डिग्री मेजरमेंट। तो अब बात किया है कि चलो डिग्री मेजरमेंट हमें पता चल गई, रेडियन मेजरमेंट हमें पता चल गई, अब हमें ये पता होना चाहिए अगर मुझे क्वेश्चन डिग्री में दिया है तो मैं उसे रेडियंस में कैसे ले जाऊं, और क्वेश्चन रेडियंस में दिया है तो मैं उसे डिग्री में कैसे लेके आऊं। ये मेरे पास बेसिक चीज है जो मुझे पता होनी चाहिए।
इसको कैसे पता लगाते हैं हम? हमें एक रिलेशन डिराइव करना होगा रेडियन और डिग्री में, ताकि मैं एंगल को रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट कर लूं। दोनों का रेफरेंस पता लगाने के लिए एक चीज ऑब्जर्व कराता हूं। अगर मैंने कहा कि मैं ये आर डिस्टेंस मूव करा तो एंगल जो कवर हुआ वो कितना हुआ? एक रेडियन कवर हुआ, सही है। मैंने तुम्हें कहा 1 रेडियन कवर हुआ जब मैं आर डिस्टेंस मूव कर रहा था अलोंग द आर्क। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं यहां से मूव करा और आधा सर्कल मतलब सेमी सर्कल मैंने कवर कर दिया अलोंग द आर्क, तो जो डिस्टेंस मैंने कवर करा है वो कितना होगा? वो होगा पाई आर, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितना होता था? 2 पाई आर। लेकिन इस टाइम जो डिस्टेंस मैंने कवर करा है वो कितना होगा? पाई आर। मैं सेमी सर्कल की बात कर रहा हूं। तो आर डिस्टेंस के लिए मेरे पास जो आया था वो 1 रेडियन आया था, तो 1 डिस्टेंस के लिए कितना आएगा? 1 रेडियन बाय आर। और पाई आर के लिए कितना आएगा? वो मेरे पास आएगा 1 रेडियन बाय आर इंटू पाई आर। यही, इसका मतलब मेरे पास सेमी सर्कल के लिए कितना आया? सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल जो लेंथ ऑफ आर्क मैंने कवर करी उसके लिए मेरे पास आया पाई रेडियंस, सही है। यही बात अगर मैं इसमें करता हूं, मैंने कहा कि एक यूनिट लेंथ, मान लो इसको जो ये था हमारे पास एक्चुअल में एक यूनिट लेंथ कितनी होगी? इट इज 2 पाई आर बाय 360। कैसे कर रहा हूं? क्योंकि एक लेंथ ने कितना एंगल दिया था मुझे? 1 डिग्री। टोटल कितनी लेंथ थी? 360। वो कितना दे देंगी? 360 डिग्री, सही कह रहा हूं। और अगर मैंने यहां पे सेमी सर्कल की बात करी है तो ऑब्वियसली मैं यहां पे भी सेमी सर्कल मतलब आधे सर्कल की लेंथ कवर करना चाहूंगा ताकि दोनों को मैं कंपेयर कर सकूं। और यहां पे अगर आधे सर्कल को मैं कवर करता हूं तो मेरे पास पूरे सर्कल के लिए 360 थी, एक यूनिट के लिए एक था, तो मैं ये कह दूं कि हाफ सर्कल मतलब सेमी सर्कल के लिए 180 डिग्री कवर हुए होंगे। तो यहां पे जब सेमी सर्कल लिया तो 180 डिग्री कवर हुए, यहां पे जब सेमी सर्कल लिया जो तब पाई रेडियंस कवर हुए, और दोनों सर्कल सेम रेडियस सेम सर्कमस्टेंसेस में थे, तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरे पास पाई रेडियंस आर बराबर टू 180 डिग्रीज। ये मेरे पास कन्वर्जन है एक दूसरे के लिए, पाई रेडियंस कन्वर्ट होके 180 डिग्री बनाते हैं। अब मुझे अगर डिग्री दिया होगा तो मैं उसे रेडियंस में कन्वर्ट कर सकता हूं, मुझे रेडियंस दिया होगा तो मैं उसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये हमारे पास इसका कन्वर्जन आ गया। दूसरी चीज, रेडियंस की कोई सब डिवीजन नहीं है। सब डिवीजन का मतलब क्या होता है? आपने स्केल देखा होगा 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर वाला, तो वो स्केल कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये स्केल बना हुआ है, इस पे कुछ बड़े मार्क्स होते हैं 1 2 3 4, उसके अंदर सब डिवीजन होती है मिलीमीटर वाली। अगर आपको याद हो तो स्केल में 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 और छोटे छोटे मार्क्स लगाए होते हैं जो कि मिलीमीटर बता रहा होता है। सिमिलर वे में हमारे पास डिग्री के भी फर्दर स्मॉल सब डिवीजन अवेलेबल है। रेडियंस में स्मॉल सब डिवीजन अवेलेबल नहीं है क्योंकि रेडियन हमारे पास एक नंबर है। नंबर को मैं डेसिमल प्लेसेस में लिख दूं अगर मुझे सब डिवाइड करना भी होगा। लेकिन डिग्री में जो मेजरमेंट अवेलेबल है वो कैसी है कि एक डिग्री मेरे पास बराबर है 60 मिनट्स के, और एक मिनट मेरे पास बराबर है 60 सेकेंड्स के। मिनट्स को रिप्रेजेंट करूंगा मैं ऊपर 1 प्राइम लगा के, सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करूंगा मैं 2 प्राइम लगा के। अब मिनट्स और सेकेंड्स मेरे पास घड़ी वाले मिनट सेकेंड नहीं है। जैसे हमने कहा था सर्कल को डिवाइड कर रहा है 360 इक्वल पार्ट्स में, एक पार्ट जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एक डिग्री है, ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि मैंने एक सब डिवीजन को फर्दर डिवाइड कर दिया है 60 पार्ट्स में, एक पार्ट जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो मेरे पास एक मिनट है, और उसको फर्दर 60 में कर दूंगा तो वो मेरे पास एक सेकेंड बन जाएगा। ये मेरे पास फर्दर डिविजन्स हैं जो कि मान लो मुझे क्वेश्चन दिया उसने कि 5 रेडियंस है, 5 रेडियंस को आप डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट कर दो, तो जब मैं डिग्री मेजरमेंट में उसे कन्वर्ट कर रहा हूँ तो जब मैं डिग्री में लेके आऊँगा तो डेसिमल में आ रहा होगा। डिग्री को डेसिमल में जनरली नहीं लिखते हैं क्योंकि उसकी फर्दर डिविजन पॉसिबल है। उसको फिर जो डेसिमल वाला होगा उसे मुझे कन्वर्ट करना होगा मिनट्स में, मिनट्स को कन्वर्ट करना होगा सेकेंड्स में। ये मेरे पास डिग्री की फर्दर सब डिविजन्स है। और रेडियंस और डिग्री को आपस में कन्वर्ट करने के लिए जो मैं कन्वर्जन
रिप्रेजेंट करूंगा या यूज करूंगा, उसे हम क्या करें कि पाई रेडियंस मेरे पास बराबर होगा 180 डिग्री के। थैंक यू।